आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 22 को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य हमें बताते हैं कि शिव जी भगवान विष्णु के समस्त भक्तों में सर्वोच्च है। कहा गया है, वैष्णवानां यथा शंभु, शंभु अर्थात शिव, भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। तो शिव जी भगवान के परम भक्त हैं, बड़े भक्त हैं और वे वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में वैष्णवों के 26 गुण बताए गए हैं। उनमें अच्छे गुण होते हैं। वैष्णव में सभी गुण जो देवताओं में पाते हैं वो वैष्णव में पाते हैं। और इसका वर्णन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में करते हैं कि 26 मुख्य गुण बताते हैं। पहला कि वे सभी के प्रति बहुत दयालु। और हम देखते हैं कि शिव जी में ये सब गुण हैं और माता सती में इन मुख्य गुणों का, शिव जी के गुणों का वर्णन किया। भले ही राजा दक्ष तथा उनके प्रशंसकों ने शिव की स्थिति को समझा हो या नहीं, सती अपने पति को यह, अपने पिता को यह बता देना चाहती थी कि उन्हें यह कदापि नहीं सोचना चाहिए कि उनके पति ऐश्वर्य से भी हीन हैं। तो और उनकी गुण का वर्णन करती आ रही है और उस गुणों को अगर नहीं जाने, अज्ञानता में एक महान व्यक्ति या महान भक्त जो वैष्णवों में परम है, उनके प्रति अपराध हो सकता है। तो पहले हमें जानना चाहिए कि वैष्णव कौन है। इसीलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जितने चरितामृत में 26 गुणों का वर्णन करते हैं। वे सभी के प्रति दयालु है। दूसरा, वह किसी को अपना शत्रु नहीं बताता, शत्रु नहीं बनाता, कोई भी उनका शत्रु नहीं होता है। या न वो कोई को अपने किसी को अपना शत्रु बनाता है। वो उदार, वह सच्चा है, वह सबसे सबके लिए समान है। उनमें कोई भी दोष नहीं निकल सकता। वह सौम्य है, वह सदैव सच स्वच्छ रहता है। हालांकि हम देखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है। तो स्वच्छ मतलब हृदय की पवित्रता, बाहरी ऐसा नहीं। वो संपत्तिहीन है,
वो सबके हित के लिए कार्य करता है। वह बहुत शांतिपूर्व है। वह सदैव कृष्ण के प्रति समर्पित रहता है। उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। बहुत नम्र है, स्थित है। वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता। वह भगवान की माया से प्रभावित नहीं होता। वह सभी को सम्मान देता है। वो अपने लिए कोई सम्मान नहीं चाहता। वह बहुत गंभीर है। वह कृपालु है। वह काव्यात्मक है। वे विशेषज्ञ है। वह चुप है, शांत है। तो इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वैष्णवों के 26 गुणों का वर्णन करते हैं। एक बुक भी था हर एक गुण का वर्णन करते हुए। और हम अगर इन गुणों को देखें सभी गुण शिव जी में हम पा सकते हैं, जो माता सती ने भी बताया। अनेक गुण है पर ये मुख्य गुण जो है the 26 qualities of a Vaishnava, he is very kind to everyone, he does not make anyone his enemy, he is truthful, he is equal to everyone, no one can find any fault in him, he is magnanimous, he is mild, he is always clean, he is without possession, he works for everyone's benefit, he is very peaceful, he is always surrendered to Krishna, he has no material desires, he is very meek, he is steady, he controls his senses, he does not eat more than required, he is not influenced by the Lord's illusionary energy, he offers respect to everyone, he does not desire any respect for himself, he is very grave, he is merciful, he is friendly, he is poetic, he is expert and he is silent. ये 26 गुण यहाँ पे वर्णन किया गया है। और हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि शिव जी सदैव दिव्य स्थिति को प्राप्त रहते हैं, क्योंकि वह शुद्ध वसुदेव अवस्था में स्थित रहते हैं। वे हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं। वे हमेशा भगवान का गुणगान करते हैं। वे किसी भी चीज़ की, भौतिक चीज़ की परवाह नहीं करते। तो ये वासुदेव या वसुदेव यह अवस्था है जिससे वासुदेव कृष्ण उत्पन्न है। तो वसुदेव से वासुदेव, वासुदेव कृष्ण, वसुदेव जैसे कि हम जानते हैं पिता, और भगवान उत्पन्न होते और इस अवस्था, जिस अवस्था में भगवान उत्पन्न होते हैं, भगवान हमेशा अपने हृदय में वास करते हैं। और वैष्णव बहुत ही दयालु रहते हैं, बहुत ही कृपालु रहते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि क्योंकि वे वसुदेव अवस्था में रहते हैं,
भगवान उनके हृदय में वास करते। तो इसीलिए हम देखते हैं कि वैष्णव अपराध, वैष्णवों का अपराध का अर्थ ये है, क्या है? भगवान श्री कृष्ण का श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपने प्रार्थना, वैष्णवों की प्रार्थना में ये लिखते कि बड़ो करुणा करो वैष्णव गोसा, पतित पावन तुम्हार बिना कोई, कि ये आप कृपा के मूर्ति है ये वैष्णव, और आपके सिवा और कोई नहीं है जो पतित आत्माओं का को पावन करें। पतित पावन तुम्हारे बिना कोई नहीं, और कोई नहीं। बहुत सुंदर भजन, जहार निकट गेले पाप दूर जाए, उनके निकट जाने मात्र से सारे हमारे पाप धुल जाते हैं। ये है वैष्णव की स्थिति। और आपसे दयालु और कोई नहीं है, आपसे दयालु है वैष्णव ठाकुर, आपसे कोई नहीं। तो नरोत्तम दास ठाकुर ये आगे कह रहे हैं कि गंगेरा पर असर होइले पाश्चात पावन, कि गंगा में स्नान करने से हम शुद्ध हो जाते हैं। बहुत बार स्नान करने से, एक बार नहीं। तो गंगेरा पर असर होइले पश्चात पावन, दर्शन पवित्र कोरी ये तुम्हारे गुण, पर आपके दर्शन मात्र से, बस आपके दर्शन अगर हो जाए तो हम पवित्र हो जाए। ये आपका गुण है, ये आपकी शक्ति है। क्योंकि आपके हृदय में कौन रह रहे? भगवान रह रहे। तो इसीलिए हरि स्थाने आप पर आदे तारे हरि नाम, अगर हमारे भजन में, हमारी सेवा पूजा में अगर कोई अपराध है तो हरि नाम हमें उनसे तार सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारी सेवा पूजा में अगर कोई भी अपराध होता है तो हरि नाम हमें उनसे मुक्त करा सकता है, अपने अपराध सेवा अपराधों से मुक्त करा सकता है। पर तुम्हार स्थाने अपराधे नाही परित्राण, पर ये वैष्णवों के चरणों में अपराध का कोई नहीं, कोई रास्ता नहीं, उस अपराध से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हम जितने भी अपराध करते हैं या जो भी करते हैं उसे हरि नाम से हम मुक्त हो सकते हैं, लेकिन वैष्णवों के चरण में अपराध का कोई निवारण नहीं है, कोई सल्यूशन नहीं है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के ये शास्त्र का पर प्रमाण है, क्योंकि तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, क्योंकि वैष्णव के हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं, गोविंद। और गोविंद क्या कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण है,
वैष्णव के लिए गोविंद प्राण है और भगवान गोविंद के लिए वैष्णव प्राण, उनके हृदय में, भगवान के हृदय में वैष्णव वास करते हैं और वैष्णवों के हृदय में भगवान वास करते हैं, दो इसीलिए यहाँ हम देखते हैं कि परम वैष्णव शिव जी का जो के प्रति अपराध, तो इसीलिए श्री नरोत्तम दास कहते हैं प्रति जन्मे करी आशा चरणे र धूली, श्री वैष्णवों के चरण की धूली यही मेरी इच्छा कि मैं वैष्णव के चरण की धूली मेरे मस्तक पर मेरे, ये भाव है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस प्रकार से शिव जी का अपमान हो रहा है। श्री चैतन्य चरितामृत में भी ऐसे ही प्रसंग और शास्त्रों में कहा गया है कि श्री जीव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के श्लोक 10वें स्कंद में निंदम भगवत श्रीवन तत्परस्य जनस्य वा ततो नाम प्रति यसु अपि यत अद सुकृति चित्त। कि अगर जहां वैष्णवों का अपराध हो रहा है, अगर भगवान या वैष्णव, निंदाम भगवत श्रीमत, जहां पे भगवान और भगवान का की निंदा हो रहे हैं, अगर वहां से कोई तुरंत वहां से निकल ना जाए तो उसका पतन हो जाए। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि माता सती यही करना चाहती है, यहाँ तक कि वे अपने पिता का जो शायद के साथ उनका शारीरिक संबंध है, जो वैष्णवों का अपराध करता है, तो उनसे उनके संग से दूर करना ही जरूर। और यही माता सती बताती है इसी अध्याय के 17 श्लोक नंबर निकालो इसके पर 4417 कर्णोपधाय निरयाद कल्प ईश धर्म वितरीय श्रीनिभि निभि अश्यमानि सिद्ध्यात् प्रसय ऋषितिम् असितं प्रभुश्चेष जीवामसामपि ततो विश्वजित् स्वधर्म। Who's got four? Yes, mother. माता जी मैं बोलूं? हाँ, श्लोक पढ़ना है अनुवाद? ना अनुवाद आता है, अनुवाद पढ़ बस अनुवाद। हरे कृष्णा। माता की स्वादि सती ने आगे कहा है, यदि कोई किसी निरकुश व्यक्ति को धर्म के स्वाधि तथा नियंत्रक की निंदा करते सुने और यदि वह उसे दंड देने में
समर्थ नहीं है तो उसे चाहिए कि कान बंद करके वहां से चला जाए, किंतु यदि वह मारने में सक्षम है तो उसे चाहिए कि वह बलपूर्वक निंदक की जीभ काट ले और अपराधी का वध कर दे, तत्पश्चात वह अपने भी प्राण त्याग दे। हरे तो कृष्ण। ये माता सती कह रही कि अगर कोई ऐसे परम वैष्णव शिव जी का या कोई भी वैष्णव, तो उसे क्या करना चाहिए? अपने कान को बंद कर नहीं सुनना चाहिए। और वहां से अगर उसको दंड नहीं दिया दे सकते, उसको दंड नहीं दे सकते तो वहां से निकल जाना चाहिए, कान बंद कर देना चाहिए, वहां से निकल जाना चाहिए। अगर उसको मार सकते हैं तो उसको मार देना चाहिए और उसकी जीभ को काट देना चाहिए। माता सती कह रही है बलपूर्वक उसको पकड़ के उसका जीभ काट देना चाहिए, जो जो वैष्णव का अपराध करता है, और उसको मार देना चाहिए और उसके बाद अपने प्राण को त्याग देना चाहिए। तो ये इतना यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माता सती ने को वही कर रही है, कोई भी हो, अपने पिता को भी त्याग करने के लिए। और हम देखते हैं कि श्री चैतन्य चरितामृत में भी ये सर्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में बुलाए और उनके लिए इतने इतने सारे व्यंजन बनाए, इतने सारे व्यंजन बनाए जिसका कोई गिनती ही नहीं है। और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर आए और उन्होंने देखा कि इतना सारा, उन्होंने कहा कि ये तो मैं इतना सारा कैसे खा सकता हूं। पर भगवान ने उनका प्रेम के कारण स्वीकार कर लिया। उस को स्वीकार किया, पर सार्वभौम भट्टाचार्य के का क्या कहते हैं, सन इन लॉ को क्या कहते हैं, उनकी बेटी का जो दामाद, दामाद आई मत, जमाई, दामाद, हाँ दामाद, जमाई, दामाद। जमाई जवाई के वॉटर, उनकी उनके बेटी बेटी का जो पति था अमोघा, वो ईर्ष्या ईर्ष्यालु था। हमेशा वो सभी में दोषी दिखता था। वो हमेशा जो है कुछ न कुछ दोष, उसका ये चरित्र ही ऐसा था। तो वो दोषित था, वो दोष जो है श्री चैतन्य महाप्रभु में खोजना, हमेशा कोई जिसके मन में होता है कि ये कुछ गलती करे, ये कुछ दोष, उनको मैं पकड़ूंगा और फिर मैं इस दोष को सामने प्रस्तुत करूंगा, तो उनका ऐसा ही भाव था अमोघा। तो जब उनको पता लगा कि हाँ इतने सारे, तो उनको क्या, और सार्वभौम भट्टाचार्य को पता था कि ये जो है कुछ अपराध न कर बैठे हमारे, तो वो दूर ही रखना चाहता था उसको, भगवान से दूर रखना चाहता। तो जब वे प्रसाद बांटने लग गए
वे बहुत ही सावधान पूर्वक रहते कि वो बाहर रहे, उसको अंदर नहीं आने दो। जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसाद पा रहे हैं, उनको उस कमरे में उनको जो है अंदर आने नहीं देना चाहते, उनको उसको गार्ड करके रखा था कि वो अंदर न घुसे। और उनके क्या कहते हैं, लकड़ी हाथ में लेकर, स्टिक, डंडा लेके हाथ में खड़े थे कि वो अगर आए तो उसको बाहर भगा दो। तो जब ये प्रसाद वितरण हो रहा था, तो थोड़ा जो है भट्टाचार्य, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जो है, वे थोड़ा सा उनका ध्यान थोड़ा प्रसाद बांटने में हो गया, तो इसी में उसने एक मौका देखकर अंदर घुस गया। उन्होंने देखा कि इतना सारा प्रसाद, तो तुरंत वो जो है निंदा करने लग गया। इतना सारा वो खा रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु सी इतना सारा खा रहे, 10-12 लोग खा सकते, इतना सब ये खा रहे अकेले। मैंने देखा कि इसने ऐसे बोला, तो उन्होंने क्रोधित होकर उनके, और उन्होंने उनको बहुत श्राप देने जैसे उनको, और उनको बहुत डांटा। श्री चैतन्य महाप्रभु शांत थे और वो हंस रहे थे। जब भट्टाचार्य की माता, भट्टाचार्य की पत्नी ने देखा कि उनके घर में ये क्या, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि इस यज्ञ में कैसे सब जो है, पूरे यज्ञ ये अपराध के कारण, यहाँ पे भगवान आए शांति से बैठ रहे, प्रसाद पा रहे, पर उनकी पत्नी ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊं, और मेरी बेटी विधवा बन जाए। उन्हें ऐसे तो भगवान ने देखा कि भगवान फिर उनको शांत करने की कोशिश कर, शांति से भगवान ने प्रसाद पाया। सर्वभौम भट्टाचार्य ने उनके हाथ मुंह धोने के लिए पानी अर्पण किया, और इस प्रकार से भगवान के गले में हार पहनाकर, चंदन काली करके, उनके चरणों में गिर गए। और उन्होंने कहा कि मैं आपको मेरे घर में बुलाया, अपराधित करने के लिए, अपमानित करने के लिए मैंने आपको घर में बुलाया, ये मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके चरण में आपसे क्षमा याचना कर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो भी अमोघ ने कहा वो सत्य है, उसमें कोई अपराध नहीं है। और इस प्रकार कहते हुए चैतन्य महाप्रभु श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के घर से निकल गए। सार्वभौम भट्टाचार्य उनके पीछे पीछे गए, उनके चरण पकड़ के, उसके चरण में गिरते हुए क्षमा याचना करने लगे। और भगवान ने उनको कहा कि ठीक है, आप शांत हो जाओ। जब वो फिर जैसा मामा भट्टाचार्य जो है घर वापस आए और अपनी पत्नी से चर्चा करते, उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं,
जिस व्यक्ति ने भगवान का जो है अपमान किया है, अपराध किया, और उसको अगर उसको मारा जाए, उन्होंने बहुत घोर अपराध किया है और ऐसे पाप, उस पाप और इस अपराध को सुनकर अगर उसको नहीं मारा जाए तो पाप में जीवन, नरक में जीवन, और अगर उनको मारा जाए तो ये पाप से हम मुक्त हो सकते हैं, तो इसीलिए उसको मार देना चाहिए। कहा गया है कि जो आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारे शास्त्रों से बताते हैं, हरि भक्ति विलास में स्कंद पुराण से बताया गया है कि जो कोई भी वैष्णव का अपराध करता है, महान भक्त का अपराध करता है, उनकी सभी सुकृति जो नष्ट हो जाती है और वो महारौरव नरक तो इसीलिए यहाँ पे बताया जाए कि निंदा कुर्वन्ति ये मूढ़ वैश्वानर, तो यहाँ पे हन्ति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवाम महाभिनन्दति, जो कोई भी वैष्णव का अपराध करता है, जो कोई भी वैष्णव से ईर्ष्या करता है, जो कोई भी वैष्णव से क्रोधित होता है, जो कोई भी वैष्णव को देखकर प्रणाम नहीं करता है, अंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवाम विनन्ति कुर्वेति न हर्षम दर्शति, वो पाप में जीवन, वो नरक में ले जाए, तो वैष्णव वैष्णव को देखकर जॉयफुल होना चाहिए। वैष्णव को देखते हैं तो हमें आनंदमय होना चाहिए, वैष्णव से क्रोध नहीं करना चाहिए, वैष्णव से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए, ये बताया गया। अगर वो करता है तो नरक में जाता है। बहुत सारे उदाहरण इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी देते हैं कि प्रहलाद महाराज और बलि महाराज के बीच में चर्चा बारका महात्मय से कि करपत्रेश्च फल्यन्ते सु तिवेर्यम शासने निंदाम कुर्वन्ति ये पाप वैष्णवानां महात्मानां, कि अगर कोई वैष्णव अपराध करता है, जो पापी व्यक्ति जो वैष्णव का अपराध करता है, वो क्या है, उनको दंड इसके द्वारा, यमराज के द्वारा बहुत ही घोर दंड दिया जाता है। जीजी गोस्वामी भक्ति संदर्भ में कहते हैं कि वन हू क्रिटिसाइज लॉर्ड विष्णु और इज डिवोटीज loses all benefit assured in 100 pious persons. Such a person rots in kambi paka hell and is bitten by worms as long as the sun and moon exists. One should therefore not even see the face of a person who blasphemes Lord Vishnu or his devotees. Never try to associate with those persons.
ये इंस्ट्रक्शन है। भागवतम में भी कहा गया कि इफ वन डज नॉट इमिजिएटली लीव अपॉन हियरिंग द लॉर्ड एंड द लॉर्ड्स डिवोटीज बीइंग ब्लास्फेम ही फॉल्स डाउन फ्रॉम हिज डिवोशनल सर्विस। ये बहुत ही घोर अपराध है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माता सती कहती है कि ऐसा तो सहन कि मेरे भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति अपराधी है और दुर्भाग्यवश मेरा शरीर आपसे उत्पन्न है। वे अपने सबसे नजदीक की संबंध अपने पिता के साथ तोड़ देना चाहती है क्योंकि उन्होंने भगवान शिव जैसे महान वैष्णव का अपराध किया है। मुझे अपने इस शारीरिक संबंध के लिए अत्यधिक लज्जा आ रही है और मैं अपने स्वयं स्वयं भर्त्सना करती हूँ कि मेरा शरीर ऐसे व्यक्ति के संबंध से दूषित है जो महापुरुष के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। तो शिव जी जैसे महापुरुष परम वैष्णव भगवान के परम भक्त जिनका कोई शत्रु नहीं है जो परम दयालु है, ऐसे वैष्णव का अपराध मैं सहन नहीं कर सकती। और मैं अपना कोई भी हो, अपना पिता हो या कोई भी हो, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं, मुझे लज्जा होती है। सती को शिव की संगति होने का खेद नहीं है बल्कि दुख इसका है कि उनका शरीर दक्ष से उत्पन्न है जो शिव जी के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। शिव जी श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त है और सती का आचरण आदर्शमय है क्योंकि किसी को भी भगवान विष्णु या उनके भक्त का अपमान सहन नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रों का आदेश है, शास्त्रों का प्रमाण है। तो इसीलिए वे अपने आप को धिक्कारती है क्योंकि उनका यह शरीर उनके पिता दक्ष द्वारा प्रदत्त। पुरंदराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। जय कृष्ण।